हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। यहाँ पे मेरे साथ है दक्ष और मैं, और आज हम खेलने वाले थे क्रिकेट, बट पता चला कि बैट तो है पर दक्ष क्या नहीं है, बॉल तो बॉल तो है नहीं है, तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे। सो हमने प्लान में कुछ चेंज लाया है, तो वो चेंज देखते हैं क्या। दोस्तों, जो हमारा प्लान बना है वो बना है खमानी खाने का। दक्ष अपनी खमानी चोरी करके बड़ा खुश हो रहा है। कहाँ है दक्ष खमानी? हाँ तो गाइस, चलते हम खमानी स्पॉट पे। दक्ष बोल रहा है प्लम भी कुछ टाइम बाद पक जाएंगे। वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप, प्लम ही प्लम है, और यहाँ पे अनार भी उगे हुए हैं बिल्कुल आसपास। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं खमानी स्पॉट पे, और इसको दक्ष के पास एक भी खमानी नहीं है। भाई कहाँ है इसमें खमानी? एक खमानी भी नहीं है गिन के। एक तो दिख रही होगी येलो येलो यहाँ पे, पर ये भी खाई हुई है। एक यहाँ है भाई, नहीं है। कहाँ है इसमें खमानी? तूने तो बहुत झूठ बोला है, जुट्ठा कहीं का। चल जुट्ठे, वैसे तो दक्ष को कोई खमानी मिली नहीं है दोस्तों, तो ये खा रहा है कच्ची खमानी। कैसी लग रही भाई तेरे को कच्ची खमानी? बहुत टेस्टी मुझे लग रहा है। कुछ टाइम में तो हमें अब ये खाना पड़ेगा, घास धनिया साथ में घास भरे, क्योंकि कच्ची खमानी खिलानी है तूने मेरे को, पता है ना। मज़ा आ रहा तुझे कच्ची खमानी खा के भाई? बस नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा भाई, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा खलियान जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। तो जो इस खलियान का एक एक पत्थर है, इतना बड़ा बड़ा लंबे लंबे जो पत्थर देख रहे हो आप, 200-300 किलो के पत्थर, ये गाइस हमारे जो पूर्वज होते थे अकेले ही चक लेते थे, और आज के टाइम में हमारे से कहनी नहीं उठाई जाती है ठीक से। तो गाइस देख सकते हैं आप कितने मतलब मेहनती होते थे हमारे पूर्वज, और कितनी जान होती थी पक्का अनाज खा के उनमें। तो ये देखिए गाइस, ये है हमारा नीचे जो है ना, ये है अपना ग्राउंड, खतरनाक वाला ग्राउंड, और यहाँ पे हमारा पता नहीं सुस्त सा दक्ष है, इसको सुस्ती मची है, पता नहीं क्यों यार, क्यों है यार सुस्ती मची हुई दक्ष? कहाँ है गर्मी भाई? बारिश होने वाली है, अभी बारिश हुई थी। बता कुछ क्यों है इतना सुस्त आज? और यहाँ है हमारे साथ आरुषि। हेलो आरुषि। हाय चाचू, कैसी है? तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, दक्ष बहुत सुस्त था बैड टाइम से, तो इसकी सुस्ती भगाने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन भी है। ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये कोई आम मक्खी नहीं है, ये है मधुमक्खी, और ये अगर एक दो डंक मार दे तो सुस्ती क्या, यहाँ इंसान पूरा उठ जाता है। तो दक्ष आ जा, थोड़ा कटाते इधर को, आ जा आ जा, कहाँ भाग रहा है भाई? तो दक्ष ने तो गाइस हिम्मत हार ली और भाग गया है वो, पर काकुल ने हार नहीं मानी है। काकुल कटेगा आज मधुमक्खी से, जो आम मक्खी नहीं होती है वो मधुमक्खी होती है। चले फिर काकुल चले। तो मधुमक्खी और काकुल का फासला बहुत ही कम रहा है, पर काकुल भी भाग चुका है हाथे छूट के। दक्ष का बहुत मन है शक्कर पारे खाने का, और आगे काकुल चल रहा है। यहाँ पे गप्पू भी है हमारे साथ। हाय दिया, फेस तो दिखाओ। गप्पू क्या बोलना चाहेगा, कैसा है तू, कैसा है लड़के, अच्छा है? क्यों है इतना नर्वस सा? ठीक है, हम आगे जा रहे हैं, बाय 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 दक्ष। तो दोस्तों, मुझे नीचे बुला लिया है मम्मी ने, तो मैं नीचे जा रहा हूँ घर की ओर, तो जल्दी से पहुँचते हैं घर को, मिलते हैं आपसे घर में। तो आखिरकार मैं घर पहुंच चुका हूं, और घर में मुझे और काम मिल चुका है। तो यहाँ पे है तेल की बोतल, और इस तेल की बोतल से हमने आज घास काटना है बहुत सारा, जो मम्मी को लगता है कि हाँ उसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो रहे हैं। तो काटते हैं फिर धनिया प्लस घास। यहाँ है हमारे पास चमत्कारी बोतलें, ये है आपका टूटी ऑयल, जैसा कि आप लोगों को पता है यार, पहले भी देखा है। ये है आपका पेट्रोल, तो पेट्रोल में हमने बोला था कि 20 ml जो टूटी ऑयल है वो पड़ेगा इस मशीन में,
चमत्कारी इसलिए बोल रहा हूँ इन बोतल को क्योंकि इस इन दोनों के बिना ये शुरू नहीं होगी मशीन। मशीन को शुरू करते हैं और लग जाते हैं काम पे। तो दोस्तों जो मशीन है हमारी वो हो चुकी है शुरू और पूरा कांप रहा हूँ मैं, पूरी बॉडी कांप रही मेरी। और जो आपको जितना भी ये धनिया दिख रहा है इस खेत में, जितने भी फूल दिख रहे हैं, आपको ये सारा काटना है और करना है ख़त्म ये काम बहुत ही जल्द। तो करते हैं शुरू गाइस, क्योंकि बारिश भी बड़ी धीरे धीरे तेज़ हो रही है। खेत से आ गया हूँ मैं बाथरूम में नहाने, क्योंकि पानी ने मुझे बहुत नहला दिया है, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, इसलिए अब मुझे नहाना है। पीछे मेरे गीजर है, अभी इसका प्लग पॉइंट प्लग है वो निकाला है हमने। अब मुझे पता नहीं ऊपर पानी है कि नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि चार इतने दिनों से पानी आया नहीं है। चलते हैं जरा चेक करने। अभी भी गाइस बारिश चली रही है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो कोठरू में बहुत कम बारिश होती है, पर जो होती है कुछ टाइम के लिए वो बहुत घमासान होती है। एंटर पे पहुँच के देखते हैं पानी के हाल, पानी कितना है, क्या गीजर के लिए बहुत है कि कम है। तो दोस्तों यहाँ पे तो पानी है थोड़ा बहुत, आधे से थोड़ा कम, और दूसरी टैंकी में देखते हैं जरा, यहाँ पे भी है पानी, ठीक ठाक पानी तो हो जाएगा गीजर के लिए पानी शायद। दोस्तों मैं हो गया हूँ नहा के फारिग और होप आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही।